धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी में गंगा के समानांतर विकास की अविरल धारा प्रवाहमान है। काशी के सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से अब काशी का स्वरूप बदलने लगा है। प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से काशी में अब तक 9400 करोड़ से अधिक की लगभग 1000 परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। काशी में चतुर्दिक विकास के लिए हवाई अड्डे के उन्नयन से लेकर राजमार्गों, सेतु, जलीय परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं सांस्कृतिक उत्थान की कई परियोजनाओं का लाभ काशीवासियों को मिल रहा है। विकास यात्रा की इस श्रृंखला में आज 5000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं। 4585 करोड़ की लागत से मार्गों के विकास एवं सेतु निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 3510 करोड़ की लागत से 72 किलोमीटर वाराणसी गोरखपुर NH-29 राजमार्ग, 1012 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर रिंग रोड रखौना राजा तालाब से वाजिदपुर हरहुआ मार्ग, 27 करोड़ की लागत से कोनिया घाट वरुणा नदी पर सेतु निर्माण कार्य, 20 करोड़ की लागत से बाबतपुर कपसेठी मदोही मार्ग पर डबल लेन कालिका धाम सेतु, 17 करोड़ की लागत से कैंटोनमेंट से पड़ाव मार्ग तक के चौड़ीकरण की परियोजना प्रमुख है। इन परियोजनाओं के लोकार्पित होने से अब प्रयागराज, दिल्ली तथा कोलकाता के वाहनों को शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ कुशीनगर और नेपाल जाने में भी समय एवं ईंधन की बचत होगी और यातायात भी सुगम होगा। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने और घाटों को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से जो परियोजनाएं लोकार्पित हो रही हैं, उनमें 73 करोड़ की लागत से रामनगर में 10 MLD क्षमता की STP एवं सीवर लाइन, 202 करोड़ की लागत से वरुणा नदी के चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास कार्य, 18 करोड़ की लागत से कैथी में मारकंडेय एवं संगम घाट का निर्माण तथा गंगा के 5 घाटों का पुनरुद्धार कार्य प्रमुख है। 11 करोड़ की लागत से गोदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर पर्यटन विकास कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किए जा रहे हैं। साथ ही 2 करोड़ की लागत से शूल टंकेश्वर घाट भी लोकार्पित हो रहा है। घाटों के सुंदरीकरण एवं निर्माण से दर्शन तथा पर्यटन बेहद सुगम हो जाएगा। नगर में जन सुविधाओं के विकास हेतु लोकार्पित हो रही परियोजनाओं में 50 करोड़ की लागत से सर्किट हाउस, टाउन हॉल में भूमिगत पार्किंग तथा पार्क के विकास कार्य, 27 करोड़ की लागत से 8 कुंड, चकरा तालाब एवं पद्म विभूषण स्वर्गीय गिरिजा देवी सांस्कृतिक परिसर के सौंदर्यकरण की परियोजना लोकार्पित होने से काशी का पौराणिक स्वरूप तो निखरेगा, साथ ही कलाकारों को अपनी प्रस्तुति में मदद भी मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से काशी की सांस्कृतिक पहचान अक्षुण है और तकनीक का लाभ हर वर्ग को हासिल हो रहा है। 23 करोड़ की लागत से शहनशाहपुर में लोकार्पित हो रहे बायो CNG प्लांट से खाद के साथ ही CNG गैस भी निर्मित हो सकेगी। 10 करोड़ की लागत से पहड़िया स्थित लाल बहादुर शास्त्री फल सब्जी मंडी का उन्नयन एवं पशुधन कृषि प्रक्षेत्र अराजी लाइन के आधुनिकीकरण योजना के लोकार्पित होने से यहाँ के किसानों को बेहतर बाजार एवं खरीदार मिलेंगे। छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा एवं सुविधाओं के विकास हेतु 351 करोड़ की लागत से लोकार्पित हो रही परियोजनाओं के तहत BHU में छात्राओं के लिए 200 डबल सीटिंग रूम हॉस्टल, राजपूताना ग्राउंड में छात्र गतिविधि केंद्र, धनराजगिरी बॉयज हॉस्टल ब्लॉक एवं अधिकारियों तथा अध्यापकों के लिए आवासीय परिसर, हरहुआ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय भवन का निर्माण प्रमुख है। रेल यात्रियों की सुविधा एवं उनके बेहतर खानपान के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 1.5 करोड़ की लागत से एग्जीक्यूटिव लॉन्च और 11 करोड़ की लागत से लोकार्पित हो रही इंडस्ट्रियल इस्टेट चांदपुर मार्ग चौड़ीकरण परियोजना से अब उद्यमी लाभान्वित होंगे। काशी को मिल रही सौगातों के लिए हम अपने सांसद एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं।